हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप वेल आर डूइंग गुड। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो जी हाँ, मैंने 5 क्वेश्चंस करेक्टली प्रिडिक्ट किए थे कि जो नवंबर 2019 अटेम्प्ट में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि नवंबर 2019 अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस में मैंने 5 क्वेश्चंस करेक्टली प्रिडिक्ट किए थे, तो उसमें मैं जाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आप मेरा वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर में मैंने ये डिस्कस किए थे कि नवंबर 2019 न्यू सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन से कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सामने चलने वाले नोट्स की कॉपी मिल जाएगी, तो अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि नवंबर 2019 अटेम्प्ट में SFM पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स या चैप्टर से पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का। ये मर्जर एंड एक्विजिशंस का क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैं आपको EPS और मार्केट प्राइस, एक्सचेंज रेशियो वगैरह पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिएगा। 1 का बी है फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट FRA, जो कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, हेजिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। और ये रही मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो मैंने शेयर की थी, जिसमें अगर मैं डेरिवेटिव्स में आऊँ तो मैंने उसमें कहा था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी FRA कॉन्सेप्ट को पूछे जाने की, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने एक भी क्वेश्चन FRA का नहीं पूछा था, और मुझे वही लग रहा था कि FRA का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए FRA का हेजिंग का क्वेश्चन आया था, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का हेजिंग का क्वेश्चन 1B कंपलसरी क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी स्टार्टअप फाइनेंस का थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू म्यूचुअल फंड्स का क्वेश्चन है, जिसमें डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान पूछा गया था 2 का ए में। टू का बी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट या लॉस। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस, तो मेरी एनालिसिस काफ़ी सही गई कि उन इंस्टीट्यूट ने प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक हाइब्रिड क्वेश्चन, जिसमें प्राइस भी पूछा गया था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, और प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए पूछा गया था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये दोनों चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, क्वेश्चन नंबर 2B में, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सी थ्योरी क्वेश्चन था सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3A देखिएगा, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का बायनोमियल मॉडल से पूछा गया था। मेरे एनालिसिस में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कहा था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि बायनोमियल मॉडल पूछा जाए या फिर ब्लैकस्कोल्स मॉडल पूछा जाए। तो देखिए बायनोमियल मॉडल का रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। ये देखिए, वॉट कॉम्बिनेशन ऑफ द शेयर इन द ऑप्शन शुड ही सिलेक्ट। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था बायनोमियल मॉडल का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ अ शेयर एंड ऑप्शन का, थ्री क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है वो सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आया था। सी जो पार्ट है वो स्टार्टअप फाइनेंस का है। क्वेश्चन नंबर 4A जो पूछा गया था न्यू सिलेबस में, वो CA इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इंटरमीडिएट का क्वेश्चन CA फाइनल लेवल पे पूछा गया कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में से। तो क्या इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकती है? जी हाँ कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर, तो आपसे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर आपके इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिर आपको रिकॉल नहीं हो रहा कि इंटरमीडिएट में सब चीज़ें थी, तो इंस्टीट्यूट सिर्फ एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से ऊपर में ऐसे चीज़ें नहीं करती जिसमें इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पूछा जाए। मेजर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर कोर्स ओनली, CA फाइनल कोर्स ओनली। तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट वैसे ही रिवाइज नहीं किया होगा अपने रिवीजन के दौरान या फिर पढ़ते समय, और अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इंटरमीडिएट लेवल का है, तो उस पर समय तभी बर्बाद कीजिए जब आपको लगता है कि मुझसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, तो और बाकी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4A इंटरमीडिएट का था। क्वेश्चन नंबर 4B फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है,
इसमें एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालना था। जो पार्ट सी है वो रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, वैल्यू एट रिस्क निकालना था, वैल्यू एट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 5A पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसने यहाँ पे पार्ट टू में पूछा हो, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो बताओ और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग CAPM मॉडल। तो जो पहला पार्ट है वो तो बहुत बेसिक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो CAPM मॉडल ये सब तो हमारे बेसिक्स में आते हैं, फंडामेंटल्स में आते हैं। जो सेकेंड पार्ट है एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, वो मुझे लग रहा था कि इस अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है, और ये देखिए इस अटेम्प्ट में पूछा गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, कहा था एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो देखिए जिस तरीके से मेरा एनालिसिस था, बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि पांच पांच क्वेश्चंस मेरे एनालिसिस के हिसाब से सही हुए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो है पार्ट बी वो है फॉरेक्स का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पोर्शन है जो फॉरेक्स में ही कवर होना चाहिए और होता है, उसका क्वेश्चन था। मैं आपको NPV निकालनी थी, एस्टिमेट द NPV ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट। पार्ट सी जो है वो आपका थ्योरी चैप्टर है फाइनेंशियल पॉलिसी, उसका क्वेश्चन था कि डिस्कस ब्रीफली द की डिसीजन विच फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 6A पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6B देखिएगा कि इक्विटी वैल्यूएशन का डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यानी कि DCF टेक्निक या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट दिया है 8% पर एनम और कैश फ्लोज दिए हुए हैं, और फिफ्थ ईयर के जो कैश फ्लोज हैं वही कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट 8% पर एनम से ग्रो होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। ये क्वेश्चन एक्चुअली में डिस्काउंटिंग का है, कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग का, कि जहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर कैश फ्लो दिए रहते हैं उसको आप डिस्काउंट करते हो, मतलब पीछे टांगते हो, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और उसे आप शेयर की वैल्यू या फिर इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं कि वो इक्विटी वैल्यू होनी कितनी चाहिए। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी आप वही चीज़ करते हैं, वहाँ पर आप डिविडेंड्स जो फ्यूचर डिविडेंड्स होते हैं उसको आप डिस्काउंट करते हो, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और शेयर की मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश करते हो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फंडा है वो सेम है, जहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लोज या फिर फ्यूचर डिविडेंड्स को आप की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और शेयर यानी कि इक्विटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो, प्राइस निकालने की कोशिश करते हो। ये भी मेरे एनालिसिस में मैंने कवर किया था कि इक्विटी वैल्यूएशन का जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है वो काफ़ी पॉपुलर है, सारे अटेम्प्ट में पूछा गया था, तो मुझे लगा था इस अटेम्प्ट में भी पूछा जाएगा। तो इस अटेम्प्ट में डायरेक्टली DDM नहीं बोल के डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज DCF टेक्निक के थ्रू पूछा गया फंड। अगर आपको DDM आता है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सकता था। और 6 का जो पार्ट सी है उसमें दो ऑप्शन थे, एक था सिक्योरिटाइजेशन का थ्योरी क्वेश्चन, एक था फॉरेक्स का इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, जो कि एक्चुअली में कोई थ्योरी चैप्टर नहीं है, ये है फॉरेक्स का चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे प्रैक्टिकल चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया। सिक्योरिटाइजेशन तो है ही थ्योरी, तो उसका तो क्वेश्चन आया ही है, लेकिन जो आपको ऑल्टरनेटिव में दिया हुआ है वो प्रैक्टिकल चैप्टर का थ्योरी क्वेश्चन है। तो इसी एनालिसिस से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पांच क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि मैंने प्रेडिक्ट किए थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो में, और वही क्वेश्चंस इस अटेम्प्ट में यानी कि नवंबर 2019 के न्यू सिलेबस के अटेम्प्ट में पूछे गए। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।